नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आप सभी जानते हैं हमारे देश की लगभग 30% आबादी अपने जीवन काल में एक बार अवश्य दाद खाज खुजली और दिनाए की समस्या से परेशान होती है। दोस्तों आप सभी जानते हैं दाद खाज खुजली एक प्रकार का फंगल इन्फेक्शन है जिसके होने पर खुजली होने लगती है और फिर यह खुजली इतनी ज़्यादा परेशान कर देती है कि लोग इसका तुरंत इलाज कराना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों बहुत से अच्छे डॉक्टरों से मिलने के बाद और बहुत से दवाओं के इस्तेमाल के बाद भी उनकी यह समस्या खत्म नहीं हो पाती है। कभी कभी यह समस्या कुछ दिन के लिए ठीक हो जाती है लेकिन दोस्तों कुछ दिनों बाद फिर से वापस आपको अपने चपेट में ले लेती है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा होममेड रेमेडी, एक ऐसा घरेलू उपचार बताऊंगा जिसके इस्तेमाल से आप दाद खाज खुजली और दिनाए की समस्या को जड़ से ख़त्म कर पाएंगे और फिर दोबारा कभी इस समस्या से आपको परेशान होने की नौबत नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में आप शुरू से लेकर आखिर तक अवश्य बन रहे और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों यारों में अवश्य शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नुस्खे की ओर। दोस्तों इस नुस्खे को तैयार करने के लिए आपको लेनी होगी एक क्लीन बॉल जिसमें कि आप इस रेमेडी को तैयार कर सकें। तो फ्रेंड्स हम एक क्लीन बॉल लेंगे और फ्रेंड्स इसमें आपको सबसे पहले चीज़ लेनी होगी वह है फ्रेंड्स थोड़ी सी मात्रा में एलोवेरा जेल। दोस्तों आप सभी जानते हैं एलोवेरा जेल आपके स्किन के लिए कितने ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसके इस्तेमाल से आपके फंगल इन्फेक्शन को काफ़ी तेज़ी से ख़त्म किया जा सकता है। दोस्तों आप थोड़ी सी मात्रा में एलोवेरा जेल ले लेंगे और फ्रेंड्स इसके बाद आपको इस रेमेडी में दूसरी चीज़ लेनी होगी वह फ्रेंड्स नींबू यानी कि सिट्रिक एसिड का खजाना। दोस्तों इसके इस्तेमाल से आपके दाद खाज खुजली पे हुए बैक्टीरिया काफ़ी तेज़ी से ख़त्म होने लगते हैं, मर जाते हैं। तो फ्रेंड्स आपको इसमें लगभग 10 बूंद की मात्रा में ये नींबू का रस डाल लेना होगा और फ्रेंड्स इसके बाद आपको इस रेमेडी में लेनी होगी वह फ्रेंड्स थोड़ी सी मात्रा में नारियल का तेल। जी दोस्तों नारियल के तेल के इस्तेमाल से आपकी दाद खाज खुजली की समस्या काफ़ी तेज़ी से ख़त्म होती है। इसके इस्तेमाल से वहाँ की त्वचा भी पहले की तरह मुलायम हो जाती है। तो फ्रेंड्स आपको इसमें लगभग एक चम्मच की मात्रा में नारियल का तेल डाल लेना होगा और फ्रेंड्स इसके बाद आपको इस रेमेडी में ये चीज़ लेनी होगी दोस्तों ये है कपूर। दोस्तों इसका इस्तेमाल पूजा में आरती के समय किया जाता है। दोस्तों आपको इसमें 2 कपूर को अपने हाथों से क्रश कर देना होगा। दोस्तों कपूर में एंटीबैक्टीरियल गुण प्रचुर मात्रा में पाए जाने की वजह से ये आपके दाद खाज खुजली को काफ़ी तेज़ से ठीक कर देता है। इसके बाद दोस्तों हम इस रेमेडी में आखिरी चीज़ लेंगे वह फ्रेंड्स ये पाउडर। दोस्तों ये पाउडर है आंवले का जिसके इस्तेमाल से आपकी दाद खाज खुजली जड़ से ख़त्म होगी और फ्रेंड्स दोबारा कभी आपको परेशान नहीं करेगी। तो फ्रेंड्स आपको इसमें इतनी मात्रा में आंवला पाउडर डाल लेना होगा। इसके बाद दोस्तों आपको इन सारी चीज़ों को आपस में बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर देना होगा और फ्रेंड्स अच्छे से मिक्स कर देने के बाद आपको लेनी होगी एक कॉटन और फ्रेंड्स इसमें डीप करके और इसे अपने दाद खाज खुजली वाले इलाके पे लगाना होगा। आप इसे अपने दाद खाज खुजली वाले इलाके पे लगाएं और फ्रेंड्स लगाकर लगभग आधे घंटे से 45 मिनट के लिए वैसा ही छोड़ दें। आपको दोस्तों ऐसा सप्ताह में 3 से 4 बार करना होगा। मात्र इतने बार के इस्तेमाल से दोस्तों आप पाएंगे कि आपकी दाद खाज खुजली और दिनाए की भयंकर समस्या जड़ से ख़त्म हो चुकी है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की बेहतरीन जानकारी। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, इस वीडियो को अपने दोस्तों यारों में अवश्य शेयर करें ताकि वो भी इस जानकारी का फ़ायदा उठा सकें।